Hello friends, welcome to Akash Techlearning. So this is the part 3 of evaluation of limits from differential calculus 1. ठीक है, ये basically सबसे ज़्यादा relevant है ये series IITJEE के बच्चों के लिए जो कि preparation कर रहे हैं, ठीक है, और boards के लिए भी है. तो चलिए start करते हैं. जैसे कि हमने पिछले दो part में देखा था, लगभग तीन चीज़ें, तीन types हमने discuss कर लिया था. क्या क्या? Substitution, direct substitution, factorization and रेशनलाइजेशन मेथड. ठीक है, तो अब इसमें हम फोर्थ टाइप डिस्कस करने वाले हैं, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट का. ठीक है, कि लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो. तो ये बेसिकली है फोर्थ टाइप, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी टाइप. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी टाइप. थोड़ा सा पिछले तीनों से ये ज़्यादा टफ है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना जैसे कि समझ में आ सके. ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटी टाइप का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ इनफाइनाइट टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, सब कुछ इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट, या जो है वही इन्फाइनाइट. जैसे आप वैल्यू डाल रहे हो एक्स की, जो भी वैल्यू बोल रहा है, जहाँ पर भी लिमिट फाइंड करने को, तो वैल्यू डालते ही सब अगर इन्फाइनाइट हो जा रहा है तो क्या करो. ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि इन्फाइनाइट टाइप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से इसे एक बार समझने की कोशिश की जाए. तो चलिए देखते हैं. देखो सबसे पहले तो इन्फिनिटी टाइप का सबसे बेसिक रूल है, इसमें बेसिकली तीन पार्ट में बताऊंगा. इन तीनों मेथड को आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहला मेथड है कि अगर इफ नॉट सो, अगर किसी भी फॉर्म में है क्वेश्चन आपका, तो उसे कन्वर्ट कर लो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में. ठीक है, यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर दिया हुआ है, जैसे कि सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो एक रेशनल फ्रैक्शन में. मतलब कहने का मतलब है कि एक रेशनल फ्रैक्शन टाइप में उसे कन्वर्ट कर लो. ये आपका पहला नियम है. ठीक है, यानी कि और थोड़ा अच्छे से बोला जाए तो बोला जाएगा कि एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो. ठीक है, दिस इज रूल नंबर वन. दूसरा रूल कहता है कि जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें कोई ना कोई एक्स पे मैक्सिमम पावर होगी. मान लेते हो पावर के है. के क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक्स लेके चल रहे हैं. तो जो वेरिएबल एक्स है उसका जो मैक्सिमम पावर है के, उसे देखो. ठीक है, और क्या करो, जब पता चल जाए कि मैक्सिमम पावर क्या है, तो x पे पावर k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, यानी कि सेकंड रूल क्या था, कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x पे पावर k, वेयर k इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ x. ठीक है, पहला रूल था कि अपने क्वेश्चन को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए. सेकेंड रूल था कि देखा जाए कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, और x पावर k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे. ठीक है, इतना करने के बाद में थर्ड जो पार्ट है, यानी कि थर्ड रूल है, इसे बोलते हैं रिजल्ट. आपको इस रिजल्ट को यूज़ करना होगा और आपका क्वेश्चन तुरंत एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा. रिजल्ट कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई x टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू 0, where n is greater than 0. जैसे ही आप पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x टू द पावर ऑफ k से डिवाइड करोगे, आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐसे फॉर्म दिखने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और जैसे ही इस तरह के फॉर्म दिखने शुरू हो जाए, तुरंत आप लगा दो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, where n इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, यानी कि n को पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर निगेटिव हुआ तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो फिर आपका क्वेश्चन अटक जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 अपॉन x पावर n में पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आप रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे. एग्जांपल हम देख लेते हैं, काफ़ी आसान होता है. लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 2. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. अब देखिए, अगर हम इन्फिनिटी डाल दें ऊपर x, जैसे कि मैंने बोला कि लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
यहाँ इन्फिनिटी डाल दें, यहाँ इन्फिनिटी डाल दें, सब इनफाइनाइट, तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नो रिलेवेंस, ठीक है। यानी कि टेंस टू इन्फिनिटी बाई टेंस टू इन्फिनिटी हो गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे जगहों पर ही यूज़ करना है आपको इन्फिनिटी टाइप। तो रूल नंबर वन बोला था कि इसे आप सबसे पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जो कि ऑलरेडी है, तो रूल नंबर वन हमारा हो गया। अब हम लगाएंगे रूल नंबर टू, यानी कि हम फाइंड करेंगे कि एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। ओके, तो हमें दिख रहा है कि एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर है 3, यानी कि के की वैल्यू हो गई 3। तो रूल नंबर टू कहता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स पावर के, वेयर के इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। तो आपको मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 3x बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 5x क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 7x बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया, इसे अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स क्यूब।